इस वक्त तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, इडियट। अपने बाप को इडियट बुलाता है? जिंदगी में पहली बार सच बोला है मेरा बच्चा। अरे अरे साहब जी, मैं तो कहता हूँ जल्दी से ले जाकर इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। इन सब हरकतों की वजह से मैं आज तुम्हें भूखा रखूंगी। रितु, इसे अंदर रूम में बंद कर दो। जा, चलो जा। ये क्या कर रहे हैं मिसेस खन्ना? शर्म नहीं आती? माँ को मिसेस खन्ना बुलाता है, बाप को रोहन बुलाता है, शर्म नहीं आती? इसे कल तक बाहर में उतारेंगे। जा। अबे ऑफिस जा, वरना आपसे कांटेक्ट निकल जाएगा। सुनिए, अंदर ले जाओ, वरना पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेगा ये। बदतमीज हो गया है, कहता है हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल। कॉन्ट्रैक्ट? तीखी मिर्ची खा गया भैया। हेलो, ओ गुड मॉर्निंग सर। रोहन, रोहन झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ सर, रोहन ऊपर चले गए। हेलो, एक मिनट सर। तुम क्या इशारे से बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? आज इन्होंने मुझे जल्दी बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हें इशारे से ये बता रहा था कि इन्हें बता दो कि मैं निकल गया हूँ। सॉरी सर, दरअसल रोहन इशारे से जो बात कर रहे थे ना, उसका मतलब था कि कह देना मैं निकल चुका हूँ। हाँ सर, एक मिनट, बात करना चाहते हैं बॉस। समझ गया, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, मैं जी जी बस सर निकल रहा हूँ, निकल चुका हूँ सर। हाँ सर, जब तक आप फोन नहीं रखोगे तब तक कैसे निकलूंगा? अरे मुझे फौरन निकलना होगा, बोल देना कि मैं निकल गया हूँ। हेलो, सुबह सुबह तेरी आवाज सुनने को मिली, पता नहीं मेरा पूरा दिन कैसे गुजरेगा। तुम्हारा तो अच्छा गुजर जाएगा, पता नहीं मेरा कैसा गुजरेगा। चल चल, होशियारी मत दिखा, रोहन को फोन दे। मैं नहीं दूंगी, जा। How dare you? अरे परे, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया रिंकू, मतलब अब मैं आराम से नहाने जा सकता हूँ। रोहन, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। हैं? ये बाहर कैसे गया? मैंने रखा था, वरना वो रंभा रात पे रात कभी भी फोन करती रहती है। ओफो, उसी का। हाँ बोलो। हेलो डैडी, मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपके साइन चाहिए। या तो आप यहाँ पर आके साइन कीजिए, या फिर मुझे एक लेटर लिख के दीजिए कि मैं अनाथ हूँ। हेलो, ओफो, ये लोग मुझे मरवा देंगे। रितू, बैठ जा, वो नहीं आएगा। वो आलू के पराठे तुम किसी भूखे भिखारी को दे दो। हाँ देखिए ना नाना जी, कितने भूखे लग रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे अपनी नानी माँ पे जा रहा है। अच्छा, आज अगर रोहन नहीं आया ना तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, एक फोन कर लूंगी और क्या। थैंक गॉड, मुझे लगे खुदकुशी कर लोगी। आजकल की औरतें कहाँ अपने पति के पीछे इतना त्याग करती हैं बिट्टू। भगवान से प्रार्थना कर रही है। मम्मी, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। देखा वो आ गया, देखा वो आ गया। पिया तू बैठ जा। चलेगा कुछ तो दे रहे, बहुत प्रॉब्लम है। 40 मार्क्स मैथ्स में, 40 मार्क्स। इधर आ बेटा, जरा इधर तो आ। अबे शर्म नहीं आती? मैथ्स में सिर्फ 40 मार्क्स, सिर्फ 40। छोड़ो उसे, इस मामले में अपने बाप पे गया है। डैडी, वैसे भी 40 आउट ऑफ 40 है।
बेटा आई एम वेरी सॉरी, बेटा आई एम वेरी सॉरी सॉरी। सासू माँ आप कहिए ना कि इस मामले में बिल्कुल अपने बाप पे गया है। नहीं, इस मामले में तो अपने नानी पे गया है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए, खा के जाना। अरे पागल है क्या, ये आलू के पराठे खाऊंगा तो ऑफिस में मुझे बॉस की गालियां खानी पड़ेंगी। ओके तुम मत उठा, मैं उठा। बाय। ये कैसा बॉस है, अरे कभी भी बुला लेता है। काश मैं डैडी का बॉस होता। मम्मी भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं? कभी कभी। तो आज मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा। भगवान जी, भगवान जी मुझे डैडी का बॉस बना दीजिए। प्लीज भगवान जी, भगवान जी मुझे डैडी का बॉस बना दीजिए। भीख मांगूंगा, मैं भीख मांगूंगा, लेकिन ऐसे बॉस के अंडर काम बिल्कुल नहीं करूंगा जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। पहले क्यों नहीं बोला? कौन बोला? मैं बोला। अरे पहले ही बता दिया होता तो कब कॉल ऑफिस से निकाल चुका होता तुम्हें। बॉस जरा शांति। हाँ उसे काम लीजिए। शट अप, बकवास कर रही हो। अरे वो दोपहर को डेलीगेशन आने वाला है, उसकी तुमने कोई तैयारी नहीं की है और यहाँ फालतू बातों में टाइम खराब कर रहे हो। सर फालतू बातों में नहीं सर, हम तो आपकी बातें कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बताता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। अरे तुम्हारे लिए हमदर्दी नहीं होती ना तो इतने सालों तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया होता। अरे बर्दाश्त करने से क्या होता है सर, आप मुझे मेरी दोनों बीवियों से मिलने के लिए जरा भी वक्त नहीं देते हो। अरे तुमने दो दो शादियां की हैं, उसमें ऑफिस का क्या कसूर है? अरे कल को उठ के कोई आदमी 30 शादियां करेगा और फिर बोलेगा कि मेरी तनख्वाह घर भिजवा दो क्योंकि हर रोज मुझे एक एक बीवी को अटेंड करना है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो मैं तुम्हें लात मार के कब का घर से बाहर निकाल चुका होता, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे बाप हो। बाप अगर मैं आप जैसे नालायक बेटे का बाप होता ना तो आपको धक्के मार मार के बाल सुधार केंद्र भेज देता। डैडी डैडी मैं सुधर गया हूँ, मुझे बाल सुधार केंद्र मत भेजो ना डैडी। ये बॉस अचानक बच्चे की तरह बात क्यों कर रहे हैं? डैडी डैडी चलिए घर चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होगी ना। प्लीज हंसी मजाक बंद कीजिए और डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, वहाँ चलिए। मीटिंग? ओ माय गॉड, डैडी आप अकेले मीटिंग हैंडल कर पाएंगे ना? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी बेबी प्रोडक्ट के लिए हमारी कंपनी को चुना, इसलिए हमारी और से आपको बहुत बहुत बधाई। सर आप नहीं जानते कि हमारे बॉस आपको सर्व करने के लिए कितने उत्सुक थे। अरे एक छोटे बच्चे की तरह एक एक घंटे में मुझे फोन कर रहे थे। हाँ ठीक तरह से अपनी वाइफ से मिलने भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अर्जेंट कॉन्फ्रेंस है, जाओ जाओ। उन्होंने मतलब रोहन आपके बॉस का स्वभाव बहुत मजाकिया मालूम पड़ता है। ये हमें भी अभी मालूम पड़ा है। He speaks like a child, you see? Yeah, I see. क्या है ना मैडम कि हमारे बॉस हर एक प्रोडक्ट को इतना स्टडी करते हैं कि he becomes a part of the product, you see? हमारे बॉस जो हैं एड कैंपेन से पहले हर एक प्रोडक्ट खुद ट्राई और टेस्ट करते हैं। वो तो हम देख ही रहे मिस्टर रोहन। सर आपको हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे? एकदम बंडल। अभी सर हम क्या कह रहे हैं? अरे ये कोई बिस्किट है? कुत्ता भी नहीं खाए, लो तुम खा के देखो। सर 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सर, और ये बिस्किट क्यों खाएंगे? अपने प्रोडक्ट पे इन्हें तो कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं? बच्चों का प्रोडक्ट है तो बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये देखो ये चॉकलेट है, इतना हार्ड इतना कड़क, कोई बच्चा बेचारा कैसे खाएगा इसको? अरे इसको खाने के बजाय कागज पे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट तो वो है जो मेरे डैडी लाते हैं। आपके डैडी स्वर्ग से चॉकलेट लाते हैं? मेरा मतलब है बिट्टू के डैडी। रोहन जी आप सुबह बिट्टू के लिए चॉकलेट लाए थे ना? सर मैं सुबह बिट्टू के लिए चॉकलेट ले गया था, ये आपको कैसे पता? ओके ओके आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए घर जाके अपनी वाइफ से मिलिए। सर
इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ चल रही है, ये अपने घर अपनी बीवी से मिलने क्यों जाएगा? क्योंकि इनकी वाइफ इनसे ज्यादा समझदार है। यार टुटन, आज बॉस को हो क्या गया है? मुझे क्या लगता है कि हमारे बॉस के अंदर एक 10 साल का बच्चा छुपा है। मिस्टर रोहन, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, अपनी बीवी से मिलिए। इट्स ऑफिशियल। और याद रखिएगा, दूसरी वाली से नहीं है, पहली वाली से। ये कॉन्ट्रैक्ट का काम तो टुटुल और अपेक्षा आंटी देख लेंगे ना। हाय रितू। हाय रोहन, तुम इस वक्त यहाँ ऑफिस नहीं गए क्या? ऑफिस ही तो आ रहा हूँ। तुम्हारे बॉस गुस्सा नहीं होंगे? अरे उल्टा, बॉस ने खुद मुझे ऑर्डर दिया, कहा कि जाओ जाके अपनी पहले बीवी से मिलाओ। क्या बात है डार्लिंग, तुम परेशान नजर आ रही हो। बिट्टू अभी तक स्कूल से नहीं लौटा, 5 बज गए। अरे इतनी सी बात है, किसी दोस्त वोस्त के घर गया होगा, आ जाएगा यार। बच्चे को साहब जी, जल्दी से अपने बच्चे को कब्जे में ले लीजिए, और जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक ना हो जाए ना, इसे स्कूल मत भेजिएगा। इसने किया क्या है? क्या किया है? अरे आपके बच्चे ने जो किया है वो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया होगा। क्या किया मेरे लाल ने? अरे इसने प्रिंसिपल को बेंच पे खड़ा कर दिया। क्या बिट्टू, क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? अरे प्रिंसिपल बच्चों को एडमिशन देते वक्त बेचारे बच्चों को इतना टफ इंटरव्यू लेने दी। अरे बच्चे तो छोड़ो, बच्चों के पेरेंट्स तक रहे थे, तो फिर मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया। जब वो मेरे कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मैंने उसे बेंच पे खड़ा कर दिया, जैसे कि वो बच्चों को करती है। और तो और, इसने मैथ्स टीचर को 10 छड़ी भी झड़ दी। ऐसा क्यों किया तूने? अरे मैथ्स टीचर खुद तो मैथ्स में वीक है, और ऊपर से बच्चों को मारा है, तो मैंने उसे सबक सिखा दिया। वाह 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 वाह, सारे बच्चे तुम पर खुश होंगे ना बेटा? हाँ, सब बच्चों ने मुझे क्रीम बिस्किट, चॉकलेट, सैंडविच, और तो और मुझे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया। क्यों ऐसा किया तूने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, इडियट। अपने बाप को इडियट बुलाता है? जिंदगी में पहली बार सच बोला है मेरा बच्चा। अरे अरे साहब जी, मैं तो कहता हूँ जल्दी से ले जाकर और इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। अरे इन सब हरकतों की वजह से मैं आज तुम्हें भूखा रखूंगी। रितू, इसे अंदर रूम में बंद कर दो, जा। हाँ, चलो, जा। ये क्या कर रही है मिसेस खन्ना? शर्म नहीं आती, माँ को मिसेस खन्ना बुलाता है, बाप को रोहन बुलाता है, शर्म नहीं आती? इसे कल तक बाहर में उतारेंगे, जा। अबे ऑफिस जा, वरना आपसे कॉन्टेक्ट निकल जाएगा। सुनिए, अंदर ले जाओ, वरना पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेगा। बदतमीज हो गया है, कहता है हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल। कॉन्ट्रैक्ट? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। हाय रिगोन। रोहन, आज तुम फिर से लेट हो गए। हाँ यार रितू, क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे तुम्हारे खुद एक प्रॉब्लम है। रोहन, मैंने तुमसे कहा है कि रितू के पास जाने से पहले। और मैं, आप भी चुप हो जाइए। देखो रिंकू, मैं रितू के यहाँ इसलिए गया था क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे रितू के यहाँ जाने का ऑर्डर दिया था। हाँ, अरे जानती हो, आज दोपहर से बॉस बचकानी हरकतें कर रहे हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि बिट्टू मेरा बॉस बन गया है। बंडल माता बनकर। आपको तो मेरी हर बात बंडल ही लगती है, काश मैं बात साबित कर सकता रिंकू। अरे आप खड़ी क्या, जाके दरवाजा खोलिए। मैं नौकर हूँ क्या? और क्या है मेरा? नौकर समझ के रखा। अरे बॉस, आप बहुत लंबी उम्र है आपकी। थैंक यू सौतेली नानी माँ। अरे बॉस, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ सोने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी पहली बीवी मुझे वहाँ रहने नहीं दे रही है। बॉस, बॉस आप होश में तो है? ये क्या लगा रखा है आपने दोपहर से? अरे आप मेरे बच्चे क्यों बन रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं इनके कमरे में सो जाऊं? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ,
ये तो चली गई आपकी मम्मी। क्या मैं आपके साथ? बॉस बॉस ये जरा ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? अब ये तो क्या, अब क्या कर रहे हैं? बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? अरे क्योंकि मैं बच्चा हूँ डैडी। डैडी? हाँ मैं आपका बिट्टू हूँ। अरे मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे डैडी का बॉस बना दो। क्या? दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ कर बाहर आ जाऊंगा। एक एक तो पुलिस के हवाले कर दूंगा और तो और रोहन को डिसमिस कर दूंगा। मामा मैं इसे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकूंगी। हाँ बेटा इसकी शरारतों की इतनी सजा काफी है। हाँ, हाँ। इससे ज्यादा सजा देंगे ना तो बड़ा होके अपने नाना जी पे जाएगा। हाँ, हाँ। एकदम शरीफ हो जाएगा। अच्छा आप और शरीफ चुप रहिए। नॉनसेंस, रात भर मुझे भूखा रहेगा। वो तो अच्छा हुआ मेरी जेब में चॉकलेट पड़ी थी वरना आज मेरी बीवी विधवा हो जाती। बीवी? अबे तूने शादी भी कर ली? अरे क्या हो गया बेटा तुझे, ऐसे क्यों बातें कर रहा है? जरूर मेरे बेटे को किसी की नजर लग गई है। अच्छा लगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी दो ना। अच्छा ला मैं भी देता हूँ तुझे। बेटा नाना जी के साथ ऐसे बातें नहीं करते। बेटा अब चलो मैं तुम्हें नाश्ता खिलाती हूँ। हाँ चलो तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। हाँ क्यों नहीं लाल। अरे रोहन अरे अरे ये मेरा बच्चा है, मुझसे दूर क्यों जाएगा? आ जाओ बेटा। अरे अरे क्योंकि आप भी इसका रीजन जानते हैं। ओहो मतलब तू सब कुछ जान गया है? हाँ सब कुछ जान गया हूँ मैं। हाँ तो फिर ले चल मुझे ऑफिस। जी नहीं आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो ऑफिस नहीं स्कूल जाते हैं। मैं ऑफिस जाऊंगा अपने बॉस के साथ, समझे? ठीक ठीक से बैठ। ये क्या कर रहे हो, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो डैड? उनका खींच के अगर डैड बोला तो मेरे बॉस बने हो ना तो बॉस की तरह रहो, समझे? मतलब कुछ नहीं, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, दैट्स इट। अरे रोहन तू बॉस को लेके कहाँ चला गया था? अब क्यों क्यों तुम? अरे बॉस की बीवी कब से फोन कर रही है? अरे आने दे, तू एक काम कर फौरन जाके मेरी प्रमोशन वाली फाइल लेकर आ, बॉस मुझे प्रमोशन देने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? सर बॉस की बीवी का फोन आया था, वो किसी भी वक्त ऑफिस आ सकती है। अरे पहुंचने दो ना तुम्हें, उससे क्या, तुम जाके फॉरेन टूर वाली फाइल लेके आओ, बॉस मुझे फॉरेन टूर पे भेजने वाले हैं। मेरी मम्मी को भी साथ ले जाओगे ना? एक मिनट इधर। क्या यार मुझे डिस्टर्ब मत कर टूटो। अरे डिस्टर्ब तो मैं हूँ। क्यों कल से हमारे बॉस तुम्हारे बेटे बिट्टू की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वो हमारे पास मजाक किया है ना, मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो मजाक में भी ये बुढ़ाऊ अपेक्षा को आंटी नहीं कहेगा, है ना आंटी? लगता है कि हमारे बॉस के अंदर बिट्टू की आत्मा आ गई है। यार कैसी बात कर रहा है, इज इट पॉसिबल? एक जिंदा आदमी की आत्मा दूसरे जिंदा आदमी में कैसे जा सकती है? क्यों बिट्टू? बिट बॉस मुझे बिट्टू से मिलना होगा। पीके मिसेस डेलनाज आप यहाँ? अरे डार्लिंग तू रात भर क्या, तो तेरे को किधर किधर ढूंढा मैंने। ये आंटी कौन है? आंटी रखो जाए, मैं आंटी कहीं से हूँ। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिंकू 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 जल्दी से कहीं छुपाओ प्लीज। एक मिनट आज तक तो इसे आंटी मम्मी कहता था, ये रिंकू कहाँ से हो गई? अच्छा पापा आंटी मम्मी तो आंटी मम्मी है, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों क्या हुआ? अरे मैं मिसेस खन्ना के घर से भाग के आया हूँ। मिसेस खन्ना के घर से क्यों क्या हुआ? वो लोग मुझे कमरे में बंद कर देते और खाना नहीं देते। ओ बेटा नहीं
बेटा रोते नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी और नानी माँ की अच्छी खबर लूंगी। हाँ तुम रोना। रिंकू भाभी, रिंकू भाभी आप सुध रही है नहीं? रिंकू भाभी इसे अपने से दूर कीजिए। अरे ऐसे कैसे दूर करें, इसकी सगी माँ इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रिंकू भाभी ये बच्चा नहीं है, ये हमारा बॉस है। बच्चे तो होते ही है सबके। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, ये हमारे असली बॉस है, बिट्टू के शरीर में हमारे बॉस। तभी मैं कहूँ इसे अचानक अपनी सौतेली माँ से इतना प्यार कैसे हो गया। ये बताओ ये सब हुआ कैसे, कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले रोहन ने मुझे बताया कि बिट्टू ने प्रार्थना की थी कि वो रोहन का बॉस बन जाए, इसलिए उसके शरीर में बॉस की आत्मा घुस गई है। और बिट्टू की आत्मा आपके शरीर में? रोहन ये सब क्या मांग रहा है? रितु ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे बिट्टू ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे डैडी का बॉस बना दो ताकि मैं उन्हें मम्मी से बार बार मिलने भेज सकूं, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हाँ, मतलब? मतलब ये कि बिट्टू की आत्मा मेरे बॉस के शरीर में घुस गई है। हाँ, बोले मुँह बोलूं कि बिट्टू ना आत्मा बिट्टू की आत्मा घुस गई यार मेरे बॉस के शरीर में। अरे अरे तो मुझे मेरा हस्बैंड की आत्मा क्या अच्छी को ना मां? इधर है, इधर है। लेकिन बिट्टू कहाँ गया? अब इन बॉस बॉस कहाँ है? वो देखो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। अरे टेलू डार्लिंग तुम यहाँ? अरे डार्लिंग तुम ठीक हो गया? अरे एकदम ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है। बॉस की आत्मा बॉस में और बिट्टू की आत्मा बिट्टू में वापस घुस गई है। तालियां। रोहन के बच्चे चुप रहो, आप से जरा ध्यान रखना कि तुम्हारा बच्चा भगवान से क्या मांगता है, मैं तो नौकरी से निकाल दूंगा। सर इसे फिर से कुछ मांगने के लिए कहूँ क्या? नहीं तो शट अप। अरे शोर मचा है अब के।